इनसे बकाया पैसा नहीं मांगती है, गुंडों के लिए नहीं होती है कंपनी। जब किसी का हरण होता है यानी अपहरण, तो कनपट्टी पे बंदूक लगा के कंपनी नहीं कहती है चल पैसा दे। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज आप सभी का महेश सर के अकाउंट की दुनिया में स्वागत है। आज महेश सर आपके लाए हैं अकाउंट का शेयर का पांचवा पार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेयर का पांचवा पार्ट। इसके पहले आ चुके हैं शेयर के चार और पार्ट। आपने अगर इन पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर जरूर देखिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपके पास महेश सर के एंटरटेनिंग स्टडी वीडियो क्या होती रहे पहुंचती रहे। चलिए जानते हैं क्या होता है शेयर पर। उससे पहले एक बार जोर से जयकारा लगाइए, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। चलिए स्टार्ट करते हैं शेयर का फॉर फ्यूचर। क्या होता है ये फॉर फ्यूचर? फॉर फ्यूचर की हिंदी होती है हरण, महेश सर की भाषा में अपहरण। यानी जब वो अंशधारी शेयर होल्डर जो कंपनी में अपने पूरी शेयर के अमाउंट का जब भुगतान नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, जितना पैसा वो बाकी लगाते हैं, उनके इस एरर की वजह से कंपनी नाराज होके उनके अंशों यानी शेयर का क्या कर लेती है, हरण कर लेती है और कहती है गेट आउट। यानी कंपनी लात मार के ऐसे शेयर होल्डर को क्या करती है, बाहर कर देती है। जो कंपनी के बार बार कहने पर भी पैसा क्या करते हैं, नहीं देते हैं। कंपनी इनसे बकाया पैसा नहीं मांगती है, वो गुंडों की तरह नहीं होती है कंपनी। जब किसी का हरण होता है यानी अपहरण, तो कनपट्टी पे बंदूक लगा के कंपनी नहीं कहती है चल पैसा दे। जैसे देखते हैं साउथ पिक्चरों में काले काले मोटे मोटे होते हैं ना वो गुंडे, थंग बली चमक छलो, तो गुंडे लोग क्या करते, कनपट्टी पे बंदूक लगा के चल पैसा दे, नहीं तो ठोक दूंगा। हमारे सांसद जी की तरह नहीं, मेरे 40 लाख दे 40 लाख दे 20 लाख दे 20 लाख, अबे 20 लाख दे, ऐसे नहीं मांगती है कंपनी, मेरे बकाया दे। कंपनी में जो पैसा आपका जमा होता है कंपनी उसका हरण कर लेती है। बकाया कहती तुम अपने पास रख, हमको जरूरत नहीं है, रखते रख, अब नहीं चाहिए, अब मांगते मांगते थक गए तो रख, तुम्हारा जो पैसा मेरे पास है इसको तुम भूल जाओ। कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा, बरखुदार, आर यू अंडरस्टैंड। यानी कंपनी क्या करती है, उनके जमा पैसे को जब्त कर लेती है और भगा देती है। कंपनी पढ़ी लिखी होती है, टैलेंटेड है, फुल एजुकेटेड होती है, वो गुंडों की तरह नहीं होती है, ठीक है, कि जाके उनसे पैसा मांगे। इनके रखे पैसों क्या करती है, जब्त कर लेती है। तो अब जानते हैं इसका पूरा सिस्टम क्या है, कैसे कंपनी करती है इनके अंशों का हरण। तो चलिए एक हम लोग समझते हैं एक छोटे से उदाहरण से। जैसे मान लो कोई एक शेयर होल्डर है, नाम है उसका अतुल। शेयर होल्डर का नाम क्या है, अतुल। अब अतुल ने ABCD कंपनी ABCD कंपनी के 100 शेयर को अतुल ने क्या कर लिया, परचेज, और एक शेयर की कीमत 10 रुपये। तो भाई अतुल जी आपको कुल कितना पेमेंट करना है, 1000 कंपनी में पेमेंट करना है, ठीक, समझ में आ रही बात। अब अतुल ने 1000 में से सिर्फ कितना पेमेंट किया, 800 रुपये। अतुल ने अभी तक सिर्फ कितना पेमेंट किया, 800 रुपये। ओके अच्छा है, चलो भाई अतुल 200 रुपया कब दोगे, दे कहाँ भागल जाते हैं, अतुल बोल रहे हैं दे भागल कहाँ जाते, ठीक है कंपनी कहती कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन बाद कंपनी कहती अरे भाई अतुल 200 रुपया दे दो, फिर अतुल कह रहे दे कहाँ भागल जाते हैं। फिर कंपनी अरे यार पागल हो का, कितना बार तुम्हारे पास हम फोन करेंगे, चलो 200 रुपया दो नहीं तो तुम्हारे शेयर का हम हरण कर लेंगे, एक बार वार्निंग देती है। अतुल फिर नहीं समझ रहे हैं, अच्छा दे देंगे, देखिए 800 रुपया अतुल का जमा है कंपनी में, डिपॉजिट हो चुका है, पर 200 नहीं दे रहे हैं बार बार। तो कंपनी फिर कहती भाई देख अब इस लड़के से पैसा निकलवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कंपनी नोटिस जारी कर देती है, कंपनी ऐसे शेयर होल्डरों को अपनी कंपनी में नहीं रखती है जो बार बार कंपनी को परेशान करते हो, पैसा ना दे देते हैं।
तो कंपनी क्या करती है, एक नोटिस जारी कर देती है। अब कंपनी ने मूड बना लिया कि इस बंदे को हम लोग अपनी कंपनी से क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो कंपनी 14 दिन पहले यानी फॉरफीचर होने के 14 दिन पहले एक नोटिस जारी करती है अतुल के पास कि अतुल अगर आपने मुझे 200 रुपया नहीं दिया तो हम आपके 800 रुपये का क्या कर लेंगे, हरण कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। अतुल ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। कंपनी फिर परेशान, अबे कहां से ऐसे लोग को पा गए। तो कंपनी फिर एक नोटिस जारी करती है कि भाई अब हम आपका शेयर क्या करने जा रहे हैं, हरण यानी फॉरफीचर करने जा रहे हैं, पैसा दो नहीं तो हम हरण करते। फिर अतुल ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो एक मीटिंग बुलाकर ऐसे ऐसे जितने भी कंपनी में शेयरहोल्डर होंगे सभी के अंशों को क्या कर लेता है, फॉरफीचर, और ऐसे लोगों का नाम अपने रजिस्टर में से काट देता है और एक फोन कर देगा कि अतुल आपका नाम कंपनी के रजिस्टर में से कट चुका है और जो आपको कंपनी की तरफ से शेयर का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र मिला हुआ है उसे आप रिटर्न कर दें, उसे आप क्या कर दें, रिटर्न कर दें। अब कंपनी उनके पूरे 800 पर क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है, क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। अब कंपनी का हो जाता है फायदा, 200 का नुकसान पर 800 का क्या हो जाता है, फायदा। क्यों, क्योंकि कंपनी जिन शेयरों का फॉरफीचर करती है उसको रख कर सेती नहीं है कि हम सबके सेफ तो अंडा निकली, नहीं, ना चाट डालती है वो कंपनी, तेज होती है कंपनी, ऐसे शेयरों को तुरंत मार्केट में क्या कर देती है, रीशूट कर देती है, यानी फिर से रीशूट मतलब था फिर से उसको बेचना किसी नए शेयरहोल्डर को क्या करती है, इस 100 शेयर को फिर से उठाकर क्या करती है, सेकंड हैंड बेच देती है। अगर नॉर्मल कस्टमर मिल गया तो 10 रुपए में बेचेगी, थोड़ा सा ज्यादा बेवकूफ मिल गया तो प्रीमियम पे बेच देगी, तो समझदार मिल गया तो डिस्काउंट बेच देगी। मतलब जो फॉरफीचर शेयर होते हैं उन शेयरों को कंपनी तीन प्रकार से क्या करती है, इशूट करती है, एट पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर। देखो कंपनी जब शुरू में शेयर इशूट करती है तो सिर्फ दो प्रकार होते हैं, एट और प्रीमियम, पर जब रिशूट करती है तो तीन प्रकार से रिशूट करती है, एट पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर उतना ही वो देती है जितना अतुल से पैसा क्या की है, रिसीव की, रिसीव मतलब 800 के हिसाब से क्या हो गया, 8 रुपए। यानी अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो 8 रुपए के हिसाब से 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 800। यानी कंपनी अतुल से 8 रुपया पा चुकी है तो 8 रुपए के बराबर तक ही डिस्काउंट दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं, 9 रुपए का डिस्काउंट नहीं देगी, कोशिश ये करेगी 2-3-4-5 तक ही डिस्काउंट देकर निपटा दे, पर 8 रुपए से अधिक डिस्काउंट कंपनी किसी को नहीं देती है। अगर उससे ज्यादा डिस्काउंट देगी तो कंपनी के कैपिटल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कंपनी में किसी भी तरह कंपनी को अपना 1000 रुपए क्या करना है, रिकवर करना है। तो कंपनी में 800 मिल गया, 200 रुपया नहीं मिला है, तो कंपनी ने मान लो इस शेयर को किसी को बेच दिया 7 रुपए में, तो कंपनी के पास कितना फिर से आ गया, 700, और अतुल से कितना रिसीव की थी, 800। यानी इस 100 शेयर के बदले में कंपनी में कितनी आ गए, 1500, आने थे 1000, रिशूट में कंपनी का हो गया फायदा, आ गए 1500, तो 500 रुपया कंपनी के पास एक्स्ट्रा, जो यानी जो फॉरफीचर शेयर को बेचने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है कंपनी उसको कैपिटल रिजर्व में क्या कर देती है, ट्रांसफर, उसको रिजर्व कर देती है भविष्य के लिए। तो इसकी एंट्री कैसे पास करती है, आइए हम लोग समझते हैं। समझ रहे हैं ना, किडनैप मत समझिएगा, डकुअन वाला, कंपनी स्मार्ट होती है भाई, वो किडनैप नहीं करती है किसी का, ना कनपट्टी पे बंदूक लगाती है, ना लोहा सटा के मारती है, बस क्या करती है, जो इन लोग का पैसा जमा होता है उसी को हथिया लेती, कहती मांगने की जरूरत क्या है, साले का पैसा रखा है उसी को रखो, ये मारा हो गया, भाग गया, भाग 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 भगा देती क्या। चलिए जानते हैं क्या होता है फॉरफीचर की एंट्री। पहले, सबसे पहले रिशूट से पहले आपको क्या करना होगा, फॉरफीचर, फॉरफीचर मतलब हरण। कंपनी ने क्या कर लिया, वही अतुल, मान लो अतुल के शेयर का क्या कर लिया, फॉरफीचर। देखो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, तो रख लेना फॉरफीचर की एंट्री, लिखना, मान लो इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, अगर प्रिफ्रेंस होगा तो प्रिफ्रेंस, इक्विटी शेयर फॉर, नहीं इक्विटी शेयर, यहाँ उल्टा चलता, अभी तक कैपिटल क्रेडिट में आ रहा था, अब कैपिटल कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो इक्विटी शेयर उसमें उल्टा होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
क्योंकि इसके पहले पैसा मिल रहा था, अब पैसा क्या कर रहा है, जब्त कर रहा है। तो टू नीचे लिख देना, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। मेरी बात ध्यान सुनना, ये लाइन मेरा टैग याद कर लेना, ये महेश सर का टैग है। कभी आपको फॉर फ्यूचर की एंट्री गलत होगी ही नहीं, अगर आपने फुल वीडियो ध्यान से देखा है तो। ये बात दो लाइन जरूर रख लेना कि फॉर फ्यूचर यानी फॉर फ्यूचर में हमेशा एरर वाले शेयर से ही मतलब होता है, यानी जिस जिन बंदों ने पैसा नहीं दिया है, एरर जहां एरर होता है उसी से मतलब होता है। और फॉर फ्यूचर की एंट्री में हमेशा ये दो चीज कॉमन होता है, कैपिटल डेबिट में और फॉर फ्यूचर क्रेडिट में। इसके बाद इसमें कुछ भी हो जाए पर ये दोनों अपना जगह नहीं बदलते। जैसे देखे ना, कोई मूर्ति जब कोई बनाता है तो ये जो ढांचा होता है ना, ढांचा, ये ढांचा देखिए, ये ढांचा जो बनता है लकड़ी का, ये फिक्स होता है। इसके अब ऊपर जो है इतना ऊपर बॉडी बनाता है, चाहे इतना नीचे बॉडी बनाता है, चाहे दुब्बर लड़का बनाता है, चाहे मोटा लड़का बनाता है, उससे मतलब नहीं है। पर जो उसका ढांचा होता है वो फिक्स होता है। अब उसके ऊपर का बॉडी मोटा है चाहे पतला, उससे मैटर नहीं है। अंदर की हड्डी सबकी एक बराबर होती है। तो बस उसी तरह ये हड्डी है, इस हड्डी, ये कुछ भी हो जाएगा ये नहीं बदलेगा, अपना जगह नहीं छोड़ेगा। तो कैपिटल डेबिट फॉर फ्यूचर क्रेडिट में अब देखो इसके नीचे किसकी एंट्री होती है, इसके नीचे क्या चीजें आती हैं। यार ये एंट्री भी खत्म नहीं हुई, अभी तो ये आगाज है, अभी आगे सुखावत सुने है ना, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, तो अभी वही दिख रहा है ये, यानी अभी इसके आगे बढ़ेगा। अब अतुल ने जहां जहां पेमेंट नहीं किया उसको आप नीचे लिखिए। मान लीजिए उन्होंने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नीचे, यानी वो शेयर होल्डर जो पेमेंट नहीं करता है कंपनी को, एरर होता है, तो वो एरर यानी जिसका फॉर फ्यूचर किया जा रहा है, वो बंदा जहां जहां पैसा नहीं दिया होगा उस चीज का, यानी उस हेड का नाम नीचे क्या करते जाएंगे, हम लोग लिखते जाएंगे। तो मान लो इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट, फिर मान लो इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो इक्विटी से फर्स्ट कॉल, मान लो इसने सेकंड एंड फाइनल का पैसा नहीं दिया तो लिख दो इक्विटी से सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हो गया नॉर्मली आपके फॉर फ्यूचर की एंट्री। बट अगर इन तीनों में से कहीं भी प्रीमियम होगा, मान लो अलॉटमेंट में पहले प्रीमियम था और अतुल ने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया और प्रीमियम का भी नहीं दिया, तब प्रीमियम यहां डेबिट में जाता है। तो लिखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। थोड़ा सा देखिए घाव मा हो गया, अड़सा हो गया है ना, पर हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फॉर फ्यूचर अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। नरेशन क्या होगा तो लिख दीजिएगा बींग, मान लो अतुल ने 1000 शेयर का पैसा नहीं तो लिखेंगे बींग 1000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, 1000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड नॉन पेमेंट बाय, किसका पैसा नहीं मिला, नॉन पेमेंट बाय क्या लिख देना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ प्रीमियम। बंदे ने ना फर्स्ट का पैसा दिया, ना सेकंड का दिया, ना प्रीमियम का दिया, ना अलॉटमेंट का दिया। ये तो हो गया फॉर फ्यूचर की पहली एंट्री। इसके बाद दूसरी इसकी एंट्री आती है रीइशूड। और ये 95% क्वेश्चनों में जब पूरा शेयर का एंट्री खत्म हो जाता है तो उसके बाद आता है रीइशूड। कंपनी क्या करेगी, इनको तो कंपनी मां भगा दी, भग भग, ऐसे लोगों को नहीं रखना, भग भग भग, ऐसे नहीं भगा दी, भग भगा दी। अब उनके शेयर को कंपनी क्या करेगी, रख के चार तो डालेगी नहीं, तो उसको उठा क्या करती है, बेचती है। तो कंपनी कितने प्रकार से शेयर रीइशूड करती है, तीन, एट पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर। ज्यादातर डिस्काउंट पर, क्योंकि सेकंड हैंड चीज की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, डाउन। तो ज्यादातर तकरीबन 70% डिस्काउंट पर होता है, 20% एट पर होता है और 10% प्रीमियम पर होता है। तो चलो हम तीनों आपको बताते हैं। पहले नॉर्मल बताते हैं एट पर। जब एट पर रिसूट करती है तो क्या होता है, लिखना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सिर्फ नॉर्मल एंट्री है जब वो एड पर इशूट करेगा। एड का मतलब क्या, 10 रुपए का शेयर को ही कितने में बेच देना, 10 रुपए में ही बेच देना, तब आप रीइशूट की ये एंट्री करेंगे। बट जब वो 10 रुपए के शेयर को 9 रुपए में बेचेगा, तो हमेशा याद रखना यहां पर तो दिखाएगा 10 रुपए का शेयर था,
कितने में बिका? 9 रुपए में। तो कितने रुपए की कमी पड़ रही है डेबिट में? 1 रुपए की जो कमी पड़ेगा उसको लिखेगा इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट में जो 1 रुपया डिफिसिट आ रहा है, डिफिसिट आ रहा है, कम आ रहा है, उस पैसे को हम लोग किस नाम से लिखते हैं? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से लिखते हैं। लॉस नहीं दिखाते हम, दिखा देते कि 1 रुपए का जो कमी हो रहा है वो फॉर फ्यूचर के शेयर पे कमी आ रहा है, ठीक है। बट अगर वो 10 रुपए का शेयर कितने में शूट कर दिया? 11 रुपए में, तो उस केस में ये फॉर फ्यूचर नहीं रहेगा। तो वहां क्या हो जाएगा? 10 रुपए का शेयर कितने में बिक गया? 11 में। तो अब कम कहां पड़ रहा है? क्रेडिट में। जब क्रेडिट में कम पड़ेगा तो लिखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर? तीनों एंट्री क्लियर हो गया। बीइंग 1000 हम लोग इमेज किए थे, 1000 इक्विटी शेयर री इशूड एट द रेट ऑफ जितने भी रीशूट किया हो उस वैल्यू को यहां पे क्या करना है? लिख देना है। अब जब कंपनी रीशूट कर देता है अब तो कंपनी के पास जो कम आ रहा था पैसा, नहीं जो अतुल ने जितना शेयर खरीदा था उसके जो कंपनी पास कमी आ रही थी तो कंपनी ने उसको तो पूरा कर लिया। तो अतुल का जो पैसा कंपनी में पहले से जमा था, यानी जिस पैसे को कंपनी ने फॉरफीचर किया था, वो पैसा कंपनी में सरप्लस हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो उस पैसे को कंपनी क्या करती है? फिर एक एंट्री और पास करती है। ये एंट्री के लिए बुक में बोलता नहीं है, बात ध्यान देना। ये एंट्री आपको अपने आप से करना है, इसके लिए कभी भी आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होता है, तकरीबन 95% क्वेश्चनों में। पर आंसर हमेशा बुक में आपको इसी का क्या करता है? मेंशन करके देता है, यानी कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना होगा? यानी ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री तभी होती है जब फॉरफीचर के बाद क्या किया जाए? रीइशूड। अगर फॉरफीचर किया है रीइशूड नहीं किया है तो ये एंट्री नहीं होगी, बट अगर फॉरफीचर के बाद रीइशूड किया है तो अपने आप इस एंट्री का क्या होता है? जन्म हो जाता है, बुझ रहे हैं ना? तो क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है, यानी जब इन दिए जब दो आते हैं तब इसका क्या होता है? जन्म। जिसका जन्म कैसे होता है देखिए, समझ रहे हो ना? इसकी एंट्री है इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? नरेशन हो जाएगा बीइंग 1000 फॉर फ्यूचर शेयर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? आप लोग कोशिश हमेशा ये करिए कि एग्जाम में सबका फुल स्पेलिंग लिखें। हम लोग तो शॉर्ट कट लिखते हैं पर बोलते पूरा है, एग्जाम में तो बोलना नहीं होता सिर्फ लिखना होता है, इसलिए आप वहाँ पे हमेशा पूरा का पूरा लिख कर आए तो उससे नंबर और अच्छे मिलते हैं। तो अब ये कैलेंडर में कुछ नहीं करना होता, जो ये फॉर फ्यूचर का अमाउंट होता है उसी अमाउंट को यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। बट अगर क्वेश्चन रीशूट किस पर किया गया हो? डिस्काउंट पर। तो आपने अभी देखा होगा इसके पहले मैंने किया था, यहाँ फॉर फ्यूचर की एंट्री मैंने की थी। तो यहाँ जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट को इस अमाउंट यानी इस फॉर फ्यूचर से क्या कर दीजिएगा? माइनस। तो माइनस तभी करिएगा जब रीशूट डिस्काउंट पे किया, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब उतने पैसे से कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी इस लॉस को इस पैसे से क्या करती है? कवर करती है, क्योंकि कंपनी के लिए पैसा मुनाफा होता है तो इसमें से इस लॉस को कवर करेगी। बट पर अगर ऐसा नहीं है, कंपनी रीशूट एड पर या प्रीमियम पे करती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर को पैसे क्या करना है? नीचे ट्रांसफर कर देना। तो उम्मीद है आपको ये फॉरफीचर का फॉर्मेट क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग समझते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से इस पूरी एंट्री के अमाउंट को। तो जैसे मैंने क्या कहा? अतुल, ठीक है। तो अब मान लेते हैं अतुल के 1000 शेयर थे और कंपनी की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। अप्लीकेशन का वैल्यू मान लेते हैं 2 रुपये, अलाटमेंट का मान लेते हैं 3, अब फर्स्ट का मान लेते हैं 2 और सेकंड का मान लेते हैं 3। अब अतुल ने कहाँ से पैसा नहीं दिया? अलाटमेंट का, फर्स्ट का और सेकंड का। ये हो गया एरर। हमेशा फॉरफीचर में एरर से ही क्या होता है? मतलब होता है। तो अब अतुल के 1000 शेयर जो कंपनी में थे, अतुल ने कंपनी में सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेशन का 2 रुपया दिया, इसके बाद कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो अब एंट्री कैसे पास करेंगे देखो। तो अब हमेशा याद रखना फॉरफीचर में सिर्फ और सिर्फ एरर से मतलब होता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर प्रीमियम नहीं मेंशन है तो फॉरफीचर की एंट्री से प्रीमियम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ओके, प्रीमियम कट गया। अब देखो अतुल ने किसका पैसा नहीं दिया?
अतुल ने किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का। तो आप क्या करना, जितना पैसा नहीं, जो भी एरर यहां दिख रहा हो, कंपनी इससे ज्यादा शेयर इशूट करती है तो उस ज्यादा से आपको मतलब नहीं है। अतुल ने कितना नहीं दिया, 1000, उससे मतलब 1000 × 3। आप क्या करना, अलॉटमेंट के सामने लिख देना 3000, यानी अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला 3000, फिर फर्स्ट का कितना नहीं मिला 2000, और फिर सेकंड का कितना नहीं मिला 3000। ओके, इसके बाद फिर क्या करना, आप डायरेक्ट चले आना कैपिटल पर। कैपिटल में हमेशा करना क्या कि जितना शेयर का फॉरफीचर किया गया हो उसका हमेशा ऊपर एक्चुअल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना, यानी उस शेयर का जो भी एक्चुअल अमाउंट होगा विदाउट प्रीमियम, अगर सवाल में प्रीमियम दिया है तो भी प्रीमियम को छोड़कर एक्चुअल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना। कैपिटल हो गया 10000, यानी अतुल सैम को लेना था 10000 पर उनने हमें 8000 रुपया नहीं दिया, तो उसने दिया कितना, देखो डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, तो नीचे 8000 ऊपर 10000, तो गैपिंग कितनी की पड़ रही है 2000। यही क्या हो गया हम लोग का फॉर फीचर, यानी अतुल ने सिर्फ कितना हमको दिया था, एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपया दिया था, तो कंपनी ने इनके 2 रुपये का क्या कर लिया, फॉर फीचर कर लिया। इसके बाद रिशूट पे आते हैं, तो मान लो कंपनी रिशूट कैसे करती है, कंपनी ने इनके 1000 शेयर को, ध्यान देना 1000 शेयर को कंपनी ने क्या कर दिया है, 9 रुपये पे रिशूट कर दिया। कितने रुपये पे, 9 रुपये। तो इसके लिए करना क्या, बैंक में हमेशा रिशूट अमाउंट से मल्टीप्लाई, 1000 कितने में रिशूट किया गया, 9, तो 9 रुपया यानी 9000 यहां हो गया। अब कैपिटल में क्या करना है, 1000 × 10, हमेशा कैपिटल में एक्चुअल अमाउंट से क्या करना, मल्टीप्लाई, तो क्रेडिट में आ गया 10000, दिख रहा है क्रेडिट में कितना है 10000, डेबिट में कितना है 9000, कितना कम पड़ रहा है डेबिट में 1000, जब डेबिट में कम पड़े तो क्या लिखना, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। क्लियर, तो मैंने कहा था जब फॉर फ्यूचर होगा तो ये एंट्री नहीं होगी, पर जब फॉर फ्यूचर पर रिशूट होगा तो ये एंट्री अपने आप होगा, पर क्वेश्चन में इसके बारे में बोला नहीं जाता। तो ये एंट्री कैसे होगा, देखो इस फॉर फ्यूचर के अमाउंट में कितना फॉर फ्यूचर किया गया है 2000, और रिशूट में कितने का लॉस हो गया 1000, तो 2000 में से 1000 माइनस कर देंगे, 1000 रुपये नीचे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे नेक्स्ट 6वें नंबर वीडियो में, यानी जो अगला वीडियो आने वाला उस पर मैं इस पर प्रॉपर एक क्या बताऊंगा आपको, फुल क्वेश्चन। अभी मैंने सिर्फ क्या किया, इसका डेमो दिया कि फॉर फ्यूचर में एंट्री कैसे क्या क्या होती है और उस एंट्री में अमाउंट कैसे भरते, इसको आप क्या करेंगे आज के आज इसको रट लीजिएगा, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा शेयर का 6th पार्ट, उसी में हम आपको बताने वाले हैं पूरा इसका फॉर्मेट, यानी पूरा सिस्टम किस प्रकार से एप्लीकेशन से स्टार्ट होता है फाइनल कॉल तक कैसे आता है एरर, सभी शेयर होल्डरों के साथ उस शेयर होल्डर को अलग करना जिसने फर्म को पैसा नहीं दिया है। तो उम्मीद है आपको आज का पूरा चैप्टर क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया हो तो यार एक बार वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। ओके बच्चा लोग, तो फिर से लास्ट में जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हिंद जय भारत।